गुड इवनिंग एविबडी लेट्स क्रैक यूपीएससी सी सी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास के उन अध्याय पर जो न केवल बहुत कठिन है बल्कि इसे कई बार कई किताबों में उस तरीके से वर्णित नहीं किया गया जैसे कि इसका वर्णन होना चाहिए था यदि हम बातचीत करें तो मौर्योत्तर काल के बाद चार बड़े शासक कहिए या चार बड़े वंश आते हैं जिसमें हमने इंडो ग्रीक के बारे में अपनी पिछली कक्षा में चर्चाएं की थी आज हम शकों के बारे में चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे और थोड़ा सा कहानी आपको ध्यान पूर्वक सुननी पड़ेगी कोशिश हम पूरी करेंगे कि कहानी का कहीं फ्लो ना टूटे हम पूरा प्रयास करेंगे कि वह किस तरीके से भारत में आ रहे हैं यहां पर भी कहानी कुछ वैसी ही है जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में या यूरोपियन कंपनियों के आगमन के दौरान जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है और विदेशी यूरोपियन कंपनियां देश के आंतरिक जो छोटे छोटे राजाओं के युद्ध हैं उनमें हस्तक्षेप करती हैं और धीमे धीमे एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त करती है युग के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ जब युग के बाद सम्राट अशोक की मृत्यु हुई और उनके उत्तराधिकारी जितने भी आए वो उतने योग्य नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके और इसी का लाभ मध्य एशिया में जो शासक थे उन्होंने उठाया हमने पिछली कक्षा में देखा था कि मध्य एशिया की भी स्थिति ऐसी थी कि सिकंदर की मृत्यु के बाद वहां पर भी कई प्रकार के उत्तराधिकारियों के लिए षड्यंत्र चल रहे थे तो वहां की भी परिस्थितियां ऐसी थी कि वह भारत की ओर आकर्षित हुए और भारत की परिस्थितियां ऐसी है कि केंद्रीय शक्ति अब कमजोर हो गई है या केंद्रीय शक्ति नहीं के बराबर है जब केंद्रीय शक्ति नहीं के बराबर होती है और शून्यता उत्पन्न होती है तो कई शक्तियां उदयमान होती है इसलिए केंद्रीय शक्ति का होना बहुत जरूरी है इसलिए कई बार कहा जाता है कि राज्य मोतियों की माला में केवल मोती है और केंद्रीय शक्ति उस मोतियों को पिरोने वाला धागा है धागा जितना मजबूत होगा उस पूरे केंद्रीय शक्ति और राज्य का महत्व और शक्ति उतनी ही अधिक होगी यहां पर भी कहानी कुछ ऐसी ही चलेगी थोड़ा सा कहानी बीच में आपको बोर भी कर सकती है लेकिन क्या है कि यूपीएससी पढ़ना होता है ना तो जहां पर पसंद नापसंद इंटरेस्टिंग और बोर की सीमाएं खत्म होती है वहां से यूपीएससी का प्रारंभ होता है इसलिए ये मैं ध्यान में नहीं रखूंगा कि आपको बोर कर रहा है या अच्छा लग रहा है हम कोशिश करेंगे कि आज इस पहलू को पूरी तरह से क्लियर कर सके दो ढाई घंटे की इस कक्षा में हम जानेंगे कि ये जो शक है ये कहां से आए कैसे आए भारत में इन्होंने कहां कहां अपना शासन स्थापित किया और इनका भारतीय कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा शकों में जो शासक होंगे उनके नाम थोड़े कठिन है बस एक ही दिक्कत है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं बल्कि गारंटी है कि आप उसे बेहतर तरीके से मेमोराइज करेंगे आज जो हमारी इंडियन इंडिया ईयरबुक की क्लास थी हमारी टीम ने कंटेंट रेडी कर लिया था लेकिन मैं उस कंटेंट से थोड़ा सा खुश नहीं था और इसलिए उस क्लास को पूरा छह दिनों के लिए पोस्टपोन करते हुए आधी किताब को कंप्लीट करने का टारगेट दिया है हमने हमारी, हमारी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बार यूपीएससी 2022 में हमें प्रिलिम्स की परीक्षा में अद्भुत परिणाम आप देंगे इसलिए आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ लगिए पहली जो क्लास हुई होगी उसका पीडीएफ आपको यदि नहीं मिला है तो सर्च करा करिए पीडीएफ हर तरीके के पीडीएफ अवेलेबल है कई विद्यार्थियों को पीडीएफ भी सर्च करते नहीं आता और फिर वो कमेंट्स करते सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला पीडीएफ व्यक्तिगत रूप में नहीं पहुंचता वो सबको मिलता है आपको उसे अपना अपने रूप में ढूंढना पड़ेगा तो शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बातें आज आपको पहली बार पता चलेगी तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं बस दो मिनट में अपनी बातें बता दूं आप लोगों को कि आप अपने तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस समय 12 और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको तीन महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है वही दो साल और तीन साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको छह महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है इस समय हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है तेरह जून से जी हां तेरह जून से हमारा दूसरा 2023 और 24 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन बैच बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर वन में हम बातचीत करेंगे इंडियन सोसाइटी से भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी हम इसमें पूरी तरह से कवर करेंगे तो 13 जून से हमारा नया बैच आ रहा है इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप सक्षम है तो अन्यथा यूट्यूब से आप तैयारी को जारी रखिए 15 मई को अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बेक्ट होने जा रहा है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के रूप में अन लाइट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रिलिम्स के लिए एक बेहतर टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं पर्सनल कोच मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और स्टडी प्लानर का अतिरिक्त ऑप्शन आपको दिया जाता है जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट के साथ ईएमआई की सुविधाएं हैं छः मई से कई बैच स्टार्ट मतलब आज से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और एमके लाइव हमारा रिफर कोड है पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं तेरा जून से हमारा नया बैच आ रहा है हमारा प्लस पर नया बैच तेरह जून से आ रहा है यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लीजिए सिविल सेवा परीक्षा 2023 कल हम एक स्ट्रैटेजिक क्लास लेंगे कि आखिर इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और इंडिया ईयरबुक पर हम पूरा छह घंटे का एक मैराथन अगले शुक्रवार लेने वाले हैं तीन बजे से तो शुरुआत करते हैं कहानी की एक लाल कह रहा है बहुत नेगेटिव फील हो रहा है अच्छी बात है बहुत नेगेटिव निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे किस बात का नेगेटिव फील हो रहा है या तो फिर हमने साल भर हवाबाजी की थी इसलिए नेगेटिव हो रहा है जिसने मेहनत की है जिसने पढ़ा है ना कोई नेगेटिव नेगेटिव नहीं क्या होगा ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी पर हम मेहनत करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर पास फेल सफल असफल ये सब बहुत बात की चीजें हैं। अभी पढ़ो तुम्हारे पास अभी भी समय है उनतीस दिन है लगाओ ताकत तुम्हारे अंदर जितनी भरी पड़ी है दिखा दो दुनिया वालों को कि तुम कितना पढ़ सकते थे उन लोगों को बताओ जो तुम पर भरोसा नहीं करते थे वो तुमसे कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है ताकि उन्हें पता चले कि तुम्हारी 206 हड्डियां छह छ मसल्स और 100 अरब न्यूरॉन जब तय करते हैं तो फिर वो हर चीज जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेते हैं अपनी शक्तियों को दिखाने का मौका मिल रहा है इससे अद्भुत समय दुनिया में और नहीं मिल सकता है तो लड़ने के लिए तैयार रहो भगोड़े भाग चुके हैं मैदान छोड़कर इस समय केवल शूरवीर बैठे हैं इनसे जीतना या इनसे हारना दोनों ही सम्मान का विषय है आवश्यकता यह है कि अगले नौ अगले 29 दिनों में आप अपने आप को भगोड़ा डिक्लेयर करते हो या शूरवीर दिखा दो दुनिया वालों को कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य था कितनी ताकत थी कितनी बुराइयां और कितनी आलोचनाएं सहने की ओर क्षमताएं थी मौका मिला है ऊपर वाला भी तैयार है तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए उतर जाओ मैदान में देखते हैं कितनी ताकत सामने वाले में है तो पूरी जोश के साथ पूरे ऊर्जाओं के साथ लगी है। और बार बार कहिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है अंतिम पड़ाव है मजे के साथ गुजरना चाहिए पूरी ऊर्जाओं के साथ पूरे शक्ति के साथ प्रदर्शन के साथ गुजरना चाहिए दिखना चाहिए लोगों को कि कोई ना कोई शूरवीर यहां भी बैठा है शुरुआत करते हैं आज के कक्षा के तो सबसे पहले तो मैं आपको फिर से कह दूं कि हम प्राचीन भारत के इतिहास में जा रहे हैं हम उस दौर में जा रहे हैं जो लगभग एक ईसा पूर्व के आसपास का समय है इस दौरान यदि हम चीजों को देखेंगे तो भारत पर कई विदेशी आक्रमण इस दौरान भी हुए थे इस दौरान भी अलग अलग प्रकार के शासकों ने भारत को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया था हमने देख लिया था कि किस तरीके से अशोक के पश्चात जब मौर्योत्तर काल आता है जहां पर मौर्य के बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इस पूरे शासन या पूरे साम्राज्य को नियंत्रित कर सके बल्कि कई विदेशी आक्रमणों के द्वारा इस क्षेत्र पर समय समय पर अलग अलग शासकों ने शासन किया जिसमें हमने इंडो ग्रीक के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी जिसमें इंडो ग्रीक में मैंने दो शासकों का जिक्र किया था एक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में और दूसरा भारत वाले क्षेत्र में शासन करने लगे थे अब इसी दौरान पिक्चर में एंट्री होती है शकों की तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं शकों की तरफ पिछली कक्षा में हमने मौर्य काल के पतन के बाद प्राचीन भारत की राजनीतिक स्थिति का पतन स्थिति का पतन नहीं किया था राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की थी क्षमा चाहूंगा मैं यहां पर वस्तुतः मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में केंद्रीय स्तर पर एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई केंद्रीय स्तर का मतलब हुआ कि ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं हुआ जो भारत के इस पूरे भूभाग को जो कि मौर्य काल में अशोक के द्वारा प्राप्त किया गया था उसे संभाल सके जिसका लाभ उठाकर कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया हालांकि यह विदेशी आक्रांत भारत में राजनीतिक अधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे इस समय जो विदेशी आक्रांत आ रहे हैं इनका मकसद वास्तविक रूप में भारत के शासन को चलाना नहीं था लेकिन जिस तरीके से वो जहां से आए थे वहां पर जैसी राजनीति चल रही थी उन्हें लगा कि उससे ज्यादा बेहतर है कि वो अपना शासन भारत में स्थापित करें साथ ही साथ यहां की राजनीतिक शून्यता भी उनके लिए माहौल बनाएगी तो वो सोचकर तो नहीं आए थे लेकिन उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाती हैं और वो भारत में अपने शासन को प्रारंभ कर देते हैं बल्कि मध्य एशिया में उत्पन्न तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने इन्हें भारत भारत की ओर किया था, किंतु आने पर मौर्य काल के पतन के बाद विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों और केंद्रीय राजनीतिक शून्यता ने इनके भारत में साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग मजबूत कर दिया था तो इस दौरान ये लोग प्लानिंग करके तो नहीं आए हैं कि हमें भारत पर शासन करना है बल्कि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई हैं कि उन्हें अपने आप यहां पर शासन करने के लिए माहौल बनेगा एक तो वह उधर जा नहीं सकते जहां से आए हैं क्योंकि वहां पर उनके खिलाफ षड्यंत्र और शत्रु बढ़ गए हैं और दूसरा यहां पर जब मौका मिल रहा है तो इसी को चलाने में क्या दिक्कत है वस्तुतः वह दौर था जहां भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत तो हो चुका था वही मक दुनिया में सिकंदर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य भी नेतृत्व हो गया था तो जहां भारत में नेतृत्व में भी नेतृत्व दिख रही है अब ऐसी परिस्थिति में जिसके हाथ में जो लग जाए वो उसका मालिक बन जाता था इसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो जहां पर भी जो शासक पहुंच जाएगा अपनी ताकत दिखा देगा वह वहां का शासक डिक्लेयर कर दिया जाएगा अतः इस काल की पृष्ठभूमि में केंद्रीय नेतृत्व नेतृत्ववीनता और राजनीतिक शून्यता के तत्व विद्यमान थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक नए युग का सूत्रपात किया पिछली कक्षा में हमने इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक को यवन भी कहते थे हिंद यवन के विदेशी आक्रांताओं के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के घटनाक्रम को समझ चुके थे इंडो ग्रीक शासकों के बाद भारत में क्रमश शक फिर पहलव और फिर कुशान के रूप में विदेशी आक्रांता आते हैं और भारत के विभिन्न भाग में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं तो इंडो यवन का अध्याय हमने पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक समझाया था जिन विद्यार्थियों ने इंडो यमन या फिर इंडो ग्रीक को नहीं पढ़ा है मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस क्लास को जरूर कवर करें। आज हम इसमें शकों को कवर करेंगे आज हम इसमें शक के बारे में जानेंगे कि ये शक कहां से आए हैं कहां से शक शुरू होता है चर्चा इस पर भी होगी उल्लेखनीय है कि यह विदेशी शासक उत्तरोत्तर रूप से भारत नहीं आए थे बल्कि लगा लगभग समानांतर रूप से भारत आए थे मतलब यह ऐसा भी नहीं है कि एक पूरा खत्म होगा और फिर दूसरा शुरू होगा नहीं जब इंडो ग्रीक का शासन चल रहा था उसी समय शकों का भी आक्रमण शुरू हो गया था जब शकों का शासन चलेगा उनके साथ साथ कुशान भी हमें दिखाई देंगे तो बिल्कुल ऐसा ना सोचेगा कि एक खत्म हुआ और दूसरा शुरू होने वाला है बल्कि ये साथ साथ भी आपको समझ में आने चाहिए कि साथ साथ शासन दोनों कर रहे होंगे हालांकि साक्ष्यों के अभाव में समय की निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तथापि सिक्कोर तत्कालीन लेखकों की रचनाओं से काल क्रम के बारे में सांकेतिक जानकारी केवल प्राप्त होती है मतलब कोई ऐसे साक्ष्य भी नहीं है जो बहुत क्लियरली बता सके कि चल क्या रहा है इस समय के जो शासक है इनकी जानकारियों को समझने के लिए हमें चीनी ग्रंथों की मदद लेनी पड़ती है भारतीय ग्रंथों में भी कुछ वर्णन है लेकिन जो प्रामाणिक जानकारी मिलती है वो इस समय के चीनी ग्रंथों से मिलती है तो इस दौर में भारत में क्या चल रहा है वो कुछ चीनी ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है इंडो ग्रीक शासकों का पतन और तत्कालीन परिस्थितियां अब जरा कहानी में आते हैं कि ये जो इंडो ग्रीक है इनके लिए क्या चल रहा है और इनकी स्थिति क्या होने वाली है जिन्होंने आज क्लास देखना शुरू किए घबराना नहीं पिक्चर में एक सोचिएगा कि लगभग हम बातचीत जो करने वाले हैं एक शताब्दी के आसपास वाली ये बातचीत है तो इस दौरान जो भारत में शासन कर रहे थे वो इंडो यमन या इंडो ग्रीक नाम के वंश से जुड़े हुए लोग हैं अब ये जो लोग हैं ये आखिर कैसे खत्म हुए और शक कैसे इसमें शामिल हुए उस कहानी को समझना है बस इंडो ग्रीक शासकों के रूप में भारत में मौर्य के समाप्त होने पर दो प्रकार के विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ मतलब इंडो ग्रीक के दो राजा थे पहला यूक्रेटाइडिस वंश का शासन जो कि बैक्टीरिया से लेकर झेलम नदी तक था बैक्टीरिया का मतलब समझ जाना पाकिस्तान का पश्चिमी भाग लेते हुए झेलम नदी तक का हिस्सा जबकि दूसरा डेमिट्रियस वंश का शासक था जो झेलम से लेकर आधुनिक मथुरा तक शासन कर रहा था तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंडो यमन या इंडो ग्रीक थे इसमें दो राजा थे एक तो एक राजा झेलम तक का शासन करता था जो यूक्रेटाइडिस वंश का था और दूसरा शासक जो झेलम से मथुरा तक शासन कर रहा था लगभग उत्तरी भारत में शासन कर रहा था वो डेमेट्रियस वंश का था वो का था। तो ये इंडो यमन के दो राजा थे पिक्चर के सीन में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दौरान दो जगह पर दो अलग अलग राजा हैं और ये दोनों राजा इंडो यमन या इंडो ग्रीक की शाखाओं के ही शासक हैं की भारतीय राजधानी तक्षशिला थी जो झेलम के पश्चिमी भाग में शासन कर रहे थे उन्होंने राजधानी तक्षशिला बनाई थी और जो डेमेस्ट्रियस वंश थे उन्होंने साकल को राजधानी बनाई थी जो कि सियालकोट है पाकिस्तान का वहां पर उनकी राजधानी थी तो एक तरफ हम एक तरफ हम कह सकते हैं कि झेलम के पश्चिम वाले जो है वो तक्षशिला से शासन कर रहे हैं और डेमेस्ट्रियस वंश वाले जो है वो सियालकोट साकल से शासन कर रहे हैं युक्रेटाइडिस तक्षशिला को जीतने के बाद वापस लौट जाता है और बैक्टीरियाई क्षेत्र पर अपना शासन संचालित करता है तो तक्षशिला को अपने कब्जे में करने के बाद वो अपनी पूरी जो पूर्व जमीन है जो केंद्र है वहीं पर लौट गया तक्षशिला को बैक्टीरियाई क्षेत्र की राजधानी बना देता है दूसरी ओर डेमिस्ट्रस की मृत्यु के बाद मिनेंडर उसका उत्तराधिकारी बनता है तथा गुजरात से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र में शासन कर रहा होता है हालांकि काबुल मथुरा बुंदेलखंड से मिनेंडर के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए जो पुष्टि करते कि संभवत इन क्षेत्रों में मिनेंडर का शासन संचालित होता था तो डेमिस्ट्रस का जो उत्तराधिकारी था वो मिनेंडर था और इसने लगभग बुंदेलखंड मथुरा तक का क्षेत्र अपने कब्जे में रखा था मिनेंडर की मृत्यु 120 ईसा पूर्व लगभग 40 वर्ष की आयु में हो गई और मिनेंडर की मृत्यु के समय उसका पुत्र स्ट्रेटो अल्प आयु का था अतः मिनेंडर की पत्नी एगथोलकिया ने सत्ता का वास्तविक संचालन किया तो पिक्चर को समझते हैं नए नाम है थोड़े से पहली बार सुने हो शायद तो इंडो यमन के रूप में इंडो ग्रीक के रूप में दो शासक एक झेलम नदी के पश्चिम में है वह वापिस तक्षशिला को जीतकर अपने क्षेत्र में लौटता है दूसरा झेलम के पूर्व में है जो सियालकोट के रास्ते मथुरा बुंदेलखंड बुंदेलखंड काबुल तक का शासन या क्षेत्र कब्जे में रखता है यहां तक कि वो गुजरात तक भी अपनी पहुंच बना देता है इसका उत्तराधिकारी मिनेंडर बनता है जिसकी 40 वर्ष की आयु में मौत होती है उसका बेटा स्ट्रेट अल्प आयु का है तब पत्नी एक थोलकिया है और एक थोलकिया इस सत्ता को संभाल रही है ये उस समय की परिस्थितियां बता रहा हूं स्ट्रेटो के शासन काल के बारे में कुछ विशेष प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है अंत में योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव के कारण यवन साम्राज्य फिर समाप्त हो गया कैसे समाप्त हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ किसी के पास सही जानकारी नहीं है इतिहासकारों के लिए यह प्रश्न अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है इसके अलावा इस समय शकों ने बैक्टीरियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली और शकों ने आगे बढ़ते हुए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत के हिंद यवन राज्य पर अधिकार स्थापित कर दिया तो जो मियडर हैं, जो कि दूसरी शाखा है वह स्ट्रेटो के बाद खत्म हो जाती है और बैक्टीरियाई क्षेत्र पर शक हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में करने के बाद अब यह झेलम नदी को पार करके भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कहानी समझिएगा प्लीज कहानी निश्चित ही कठिन है लेकिन समझने जैसी है तो इंडो यमन और इंडो ग्रीक, इंडो यमन या इंडो ग्रीक, इनके दो शासक थे इस दौर में एक तक्षशिला को कब्जे में करके बैक्टीरियाई क्षेत्र में लौटता है इसका ठीक ठाक शासन चल रहा था लेकिन इस पर शकों का हमला होता है यह शकों से हारता है और इस क्षेत्र पर फाइनली शक कब्जा करते हैं। बड़ा सवाल है कि सर ये शक कहां से आए इस सवाल का जवाब कुछ ही समय में देंगे लेकिन दूसरी शाखा में जब मियंडर बनता है शासक तो उसकी मौत 40 वर्ष में हो जाती है फिर उसका पुत्र स्ट्रेटो उसको संभालता है पर पुत्र अल्प आयु का है तो उसकी पत्नी एक थोलकिया शासन को संभाल रही होती और धीमे धीमे जब बेहतर उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता तो यमन का भी पतन हो जाता है इस क्षेत्र में अब उधर से शक हमला करते आ रहे बैक्टीरिया क्षेत्र कब्जे में ले लिया बैक्टेरियाई क्षेत्र मतलब आप समझ जाइएगा कि पाकिस्तान का पश्चिमी भाग ईरान वाला जो क्षेत्र होगा तो यहां पर अब बैक्टेरियाई क्षेत्र पर शक आ जाते हैं अब शक लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे पर वो आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि शक कौन थे कहां से थे। आए थे आइए जानने की कोशिश करते हैं अब थोड़ा शकों के बारे में तो पहले तो पृष्ठभूमि सभी को क्लियर हो चुकी है जरा कमेंट्स कर दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं कई विद्यार्थी पहली बार क्लास देख रहे हो तो घबराना नहीं पहली बार भी अगर कहानी समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार फिर क्लास देखना बहुत सिंपल सी कुछ मत दिमाग में रखे कि पहले क्या हुआ बस पहले हमें ये पता चला कि दो राजा राजा थे एक राजा, एक क्षेत्र है जिसका नाम बैक्टीरियाई क्षेत्र है वहां शासन कर रहा था उस पर शक हमला करते हैं और शक उसको जीत लेते हैं अपना शासन स्थापित करते हैं जो दूसरा राजा है जो कि भारत के उत्तरी भाग में शासन कर रहा था इसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है बेटा और पत्नी शासन चला रहे होते हैं पर बेहतर उत्तराधिकारी न होने के कारण का भी पतन हो जाता है बस कहानी में इतना समझ लेते हैं अब कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग शकों से कि ये शक कौन थे और कहां से आए थे अब शक कहां से आए थे इसे समझते हैं शक शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्की लोगों की स्की लोगों की एक जनजाति अथवा जनजातियों का समूह था इसकी जनजाति एक खाना बदोश और बर्बर जनजाति थी खाना बदोश और बर्बर का मतलब कि यह घुमक्कड़ जनजाति थी अलग अलग क्षेत्र को लूटती थी वहां से संसाधनों को जुटाती थी और इस तरीके से अपना जीवन बसर करती थी बर्बर इसलिए कहा जाएगा कि यह रास्ते में आने वाले या इनके द्वारा लूटी जाने वाली चीजों में वह लोगों की हत्याएं और कई प्रकार के गलत कार्य भी करते थे तो ये जो शक हैं ये स्किति लोगों की एक जाति है स्कृति लोगों की एक जनजाति है जैसे कि हमारे देश में एक जाति में भी या एक जनजाति में भी अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं तो वैसे ही स्किति लोग है ये स्किति लोग कहाँ रहते थे उस पर भी आते हैं इनकी सही नस्ल की पहचान करना कठिन है क्योंकि इनके बारे में विभिन्न प्राचीन भारतीय ईरानी यूनानी और चीनी ग्रंथ में अलग अलग जानकारी मिलती है किंतु लगभग इस तथ्य पर सभी इतिहासकार एक मत है कि सभी शक स्थिति मूल के थे हालांकि स्थिति में शकों के अलावा कई अन्य समूह भी थे पर सभी शक स्थिति थे किंतु सभी स्थिति शक नहीं थे ये बात तय है तो सबसे पहले तो हमने ये समझने की कोशिश कर लेनी है कि शक कौन है स्किति जनजाति के लोगों का एक जाति कहिए समूह कहिए कहां रहते होंगे ये लोग सवाल ये कहां रहते होंगे तो शकों की जानकारी हमें चीनी ग्रंथों से मिलती है कौन से चीनी ग्रंथों से मिलती है सर शकों के बारे में प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी चीनी ग्रंथों से मिलती है इन ग्रंथों में पान क्रू द्वारा रचित राइटर का नाम है पान क्रू हान हानशु तथा फान ए पान क्रू के द्वारा रचित सीएन हान हानशु और फान ए के द्वारा रचित हाउ शू ये ग्रंथ जरूरी है पढ़ने अगर हमें शकों को जानना है तो हमें इन दो चीनी ग्रंथों की जानकारियों का कलेक्शन करना होगा पहले चीनी ग्रंथ का नाम है सीएन हानशु जिसे पानक्रू ने लिखा था और दूसरा है हाउ हाउहशु जिसे फान ए ने लिखा था कठिन नाम है मैंने ही कहा था नाम कठिन होंगे तो ये दो ग्रंथों से हमें पता चलता है सीएन हानशु ग्रंथ का संबंध चीन के पूर्ववर्ती हान वंश से हैं जबकि हाउ हुनशु परिवर्ती हान वंश से है तो चीन में भी जो शासन करने वाला हान वंश था उसके पहले शासकों के बारे में हान शु हानशु ग्रंथ में लिखा गया है और इस वंश के बाद वालों के बारे में हाउ हुनशु परिवर्ती हाउ हुनशु ग्रंथ में लिखा गया है और इन्हीं ग्रंथों में शकों का भी वर्णन है क्योंकि इसी समय शक भी इस दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे इन दोनों ग्रंथों के अनुसार शकों का मूल निवास स्थान वर्तमान के मध्य एशिया में स्थित उत्तरी सीरिया को माना गया है तथा स्किति जनजाति से संबंधित एक समुदाय माना गया है इन चीनी ग्रंथों में शकों को सई अथवा सई वांग कहा जाता है मतलब चीनी लोग इन शकों को जिसे भारतीय लोग शक कह रहे हैं ये लोग क्या नाम से जानते हैं सई सई वांग के नाम से शक वर्तमान के सिर नदी अथवा सिर दरिया के निकटवर्ती क्षेत्र के निवासी थे वर्तमान में सिर नदी मध्य एशिया के किर्गिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में प्रवाहित होती और अरल सागर में गिरती है यह देख लीजिएगा मैं आपको वो जगह दिखा दे रहा हूं जहां पर यह सिर नदी आपको दिखाई देगी ये सिर दरिया है यह सिर दरिया है और अगर हम सिर दरिया की बात करें तो ये जो सिर दरिया है कजाकिस्तान के पास सिर दरिया जहां पर हम बात कर सकते हैं ये वाला क्षेत्र था ये ये वाला क्षेत्र है मोटे तौर पर कहे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से शक आए हैं यहां से शक आए हैं इधर चाइना है ये भारत हमारा ये पाकिस्तान है यही पर अगर हम बातचीत करते चले जाएं अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आ जाएगा तो ये तुर्केमिस्तान, तजाकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान ये जो क्षेत्र है यहां से आए हैं शक तो अगर हम मैप में बात करें तो शक यहां से आते हैं भारत में अब भारत में आने के इनके रास्ते कौन से वो भी समझने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये शको का क्षेत्र है यहां स्कित जनजाति के लोग हैं खाना बदोश लोग हैं और खाना बदोश लोग मतलब घुमक्कड़ लोग है ये घुमक्कड़ लोग है चीनी ग्रंथ के अनुसार लगभग एक ईसा पूर्व यूची नामक एक अन्य जाति ने शको को परास्त कर इन्हें अपने मूल निवास से खदेड़ दिया अब देखो शकों के साथ क्या हो रहा है चीनी ग्रंथ कह रहे हैं देखना कहानी कहां जा रही है अब हमें यह पता चला कि इंडो ग्रीक इंडो यमन कैसे खत्म हुए हमें यह भी पता चला कि बैक्टीरिया क्षेत्र पर जो इंडो ग्रीक शासक थे वो शकों से हारते हैं तो सवाल यह कि शक कहां के थे तो हमने देखा कि शक जो थे वो सिर दरिया के थे सिर दरिया जो कि कजाकिस्तान का क्षेत्र है वहां के थे ये चीनी ग्रंथ कहते हैं कि एक यूची नाम की जनजाति थी यूची नाम की जनजाति इन्होंने शकों पर हमला किया इनकी जगह सिर दरिया वाली जगह पर यहां ये हार गए और शक वहां से भागे अब जब ये वहां से भागे तो इनके लिए जगह नीचे आना था कजाकिस्तान से होते हुए अब वो नीचे की ओर आएंगे तो शक जिन्हें यूची नामक जनजाति हरा रही है और ये अपने मूल जगह से भाग रहे हैं इसके बाद शकों ने सिर दरिया को पार करते हुए बैक्टीरिया में शरण ली अपनी वीरता और योग्यता के बल पर शीघ्र ही शकों ने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और बैक्टीरिया का यह क्षेत्र इस समय यूनानियों के नियंत्रण में था तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से उन्होंने बैक्टीरिया को अपने कब्जे में कर लिया अब ये बैक्टीरिया का क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया है किंतु पुनः जाति मतलब ये वही जाति है इसका पीछा नहीं छोड़ेगी फिर पुनः यूची जाति अब शकों के पीछे पीछे आ रही है इधर शक अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया पर कब्जा करते हैं सुकून की सांस ले रहे हैं तब तक यूची जन यूची जाति के लोग फिर उनके पीछे आ रहे हैं यूची जाति ने शकों को पराजित करते हुए यहां से भी भगा दिया इसके बाद शको ने दो मुख्य शाखाओं में भारत की ओर प्रस्थान किया तो अब यह दो भागों में बट गए आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और वह भारत में अब प्रवेश करेंगे तो चीनी ग्रंथ कहते हैं कि यूची जाति के द्वारा शकों पर हमला हुआ वे अपने स्थान और मूल निवास को छोड़ने के लिए मजबूर हुए फिर जब वह बैक्टीरियाई क्षेत्र में अब कब्जा करते हैं तो उस क्षेत्र पर फिर से यूची जनजाति उन पर हमला करती है वहां से वो भागते हैं और वहां से भागने के बाद अब दो शाखाओं के रूप में भारत से एंट्री करेंगे उत्तरी भाग से और पश्चिमी भाग से अब यहां जानने जैसी बात रहेगी कि अब वह किस प्रकार से भारत में आ रहे हैं तो पहले तो आप लोग मुझे फिर से कमेंट्स करके बताते चलिएगा कि कहानी में अब आपको यहां तक बात समझ में आ गई है कि इंडो यमन के राजाओं का समापन हुआ शको को अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा वह जिस जगह गए वहां फिर से यूची जनजाति या यूची जाति के लोगों ने फिर हमला किया और फिर से वह आगे बढ़ते चले गए तो मुझे बताते चलिएगा कि आपको कहानी यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है इसमें से एक शाखा जो है वो कपिशा पर अधिकार कर लिया कपिशा कहां है कपिशा वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित एक प्रांत है प्राचीन चीनी ग्रंथ में कपिशा को की पिन से संबोधित किया गया तो अब दो जगह से ये शक भारत आ रहे हैं इसकी एक शाखा है जो अफगानिस्तान पश्चिम वाली जगह से आएगी और पश्चिम वाली जगह से वह कपीशा वाली जगह पर कब्जा करेंगे कपीशा कहाँ पर हैं वर्तमान के अफग़ानिस्तान में उस समय चीनी लोग उसको कीपिन कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये जो मैप है ये पुराने समय का मैप है ये कपिशा वाला क्षेत्र है ये कपीशा वाला क्षेत्र है जहाँ से एक शाखा प्रवेश करने वाली है इस समय कपिशा से यह प्रवेश करेंगे दूसरी शाखा उत्तरी भाग से आएगी उत्तरी भाग से यह प्राचीन मैप है इसलिए इस मैप को आधुनिक मैप से मत जोड़कर देखिएगा यह प्राचीन मैप है जो बताने की कोशिश कर रहा है उस दौर में कहा क्या चीजें चल रही थी शको की दूसरी शाखा ने ईरान की ओर प्रस्थान किया तथा तत्कालीन दो पार्थियन राजाओं फ्रात द्वितीय तथा आर्तबान अथवा बानस नाम भी दिया गया है को पराजित किया तो अब एक दूसरी शाखा ईरान में प्रवेश कर रही है और ईरान की ओर प्रस्थान करते समय वहां के दो राजा हैं फ्रात द्वितीय और आरते बानस या आर्तबान इनको वो हराती है फिर से कहानी जोड़ रहा हूं मैं सिर दरिया में रहते थे ये इन पर हमला होता है अपने मूल निवास निवास को छोड़ते हैं बैक्टीरिया पर आते हैं फिर उन पर वही जनजाति वही जाति हमला करती हैं फिर ये आगे बढ़ते हैं भारत में दो शाखाओं में एक अफग़ानिस्तान के मार्ग से आ रही हैं दूसरी ईरान के मार्ग से आ रही हैं और ईरान के उस समय के दो राजाओं को ये हराना शुरू करती हैं दो राजाओं में हैं फ्रात द्वितीय और आर्तबान आर्तेबानस। किंतु अन्य पार्थियन राजा एक तीसरा राजा है द्वितीय ने शको की दूसरी शाखा को पराजित कर दिया लेकिन एक दूसरा एक अन्य पार्थियन राजा जो यहां पर इस समय मौजूद है ईरान में मिथिदातस अत इस शाखा ने यहां से विस्थापित होकर पश्चिम में वर्तमान ईरान के सिस्तान क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया तो एक शाखा अफगानिस्तान से होते हुए आई दूसरी शाखा ने वहां के लोकर राजा दो थे उनको तो हराया लेकिन जो तीसरा पार्थियन राजा था मिथिदातस उस मिथिदातस ने शको की इस शाखा को हरा दिया और यहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया ये कहानी कुछ ऐसे समझिएगा जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो एक जनजाति या एक तरीके के खाना बदोश की सेना देखी होगी जो कि कई प्रकार के अपमानजन्य शब्द भी उपयोग करती थी समझ जाइए कि कुछ ऐसी जनजाति के लोग ही रहे होंगे एक इमेजिनेशन के लिए समझा रहे हैं तो कहानी में यहां से फिर एक ट्विस्ट आया कि ईरान का रास्ता अब उनके लिए रुक गया वो वर्तमान ईरान के सिस्तान क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में क्षेत्र को हेलमंड घाटी वर्तमान में दक्षिण अफगानिस्तान के रूप में वर्णित किया जाता है मतलब दक्षिण अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं इस जगह पर अब ये प्रवेश कर रहे हैं इस जगह पर अब इन्होंने अपना क्षेत्र बनाया है तो ये हेलमन प्रोविंसेस अगर हम बातचीत करें तो हेलमंड प्रोविंसेस अफगानिस्तान के इस क्षेत्र की बातचीत हम करने जा रहे हैं इस क्षेत्र की हम बातचीत करने जा रहे हैं उल्लेखनीय कि यहां शक बिना कोई युद्ध किए निवास करने लगे संभवतः इसी कारण ही ईरान के क्षेत्र को सिस्तान शकस्तान स्थान कहा जाता है जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है मतलब फिर यहां पर शकों ने बसना शुरू कर दिया शकों ने बसना शुरू कर दिया तो सिर दरिया वाली जगह से भाग कर आए बैक्टीरिया से भी भागना पड़ा दो शाखाओं में बट गए एक अफगानिस्तान के उत्तरी भाग पर पहुंचे दूसरे ईरान में ईरान में एक राजा के द्वारा परास्त हुए और फिर वह अफगानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में दूसरी शाखा पहुंच रही है बिना किसी युद्ध के यहाँ पर अब वो चुपचाप रह रहे हैं और इसलिए इसको सिस्तान या शक स्तान कहा जाता है कहानी में और अब आगे बढ़ते हैं ये जो पार्थियन थे उस समय के पार्थियन ये यही पार्थियनों से हारे थे और ये शक है इस समय जो यहां पर बिना किसी युद्ध के वो रहने लगे हैं तो यहां पर एक शाखा है शको की एक शाखा यहां पर निवास कर रही है और दूसरी शाखा यहां पर है तो एक शाखा कपीसा से आ रही है और दूसरी शाखा शक स्थान से आ रही है इसके बाद शक यहां से कंधार और बोलन दर्रे से होते हुए सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा यहाँ स्थायी निवास स्थान बना लेते हैं शकों के संपर्क में आने के कारण ही इस क्षेत्र को ऐतिहासिक ग्रंथ में शक द्वीप के नाम से भी संबोधित किया गया तो अब इन्होंने भारत में प्रवेश किया देखते चलना फिर से कंधार से होते हुए बोलन दर्रे से सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं इस प्रकार शकों ने पूर्वी ईरान से होते हुए भारत में प्रवेश किया पश्चिमोत्तर में हिंद यमन साम्राज्य को समाप्त कर उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर दिया अब यहां पर इन लोगों ने सिंधु से प्रवेश किया एक ने इस जगह से प्रवेश किया और यहां पर जो यमन शासक थे जो बैक्टीरियाई क्षेत्र का ये वाला भाग था यहां पर अपने शासन को स्थापित कर दिया ये है बोलन पास ये है बोलन पास यह है ख्याबार पास एक शाखा ख्याबार पास से आएगी और दूसरी शाखा बोलन पास से आएगी बोलन पास से तो ये दो शाखाएं भारत में प्रवेश कर रही हैं। उल्लेखनीय कि भारत की ओर स्वाभाविक रूप से शकों की पांच शाखाओं ने प्रस्थान किया जिसमें से चार शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जबकि एक शाखा चीन कुछ ग्रंथों के अनुसार अफगानिस्तान चली जाती है अब ये जो दो शाखाएं थी ये भी बट जाती है और भारत में अब इनकी कुल चार शाखाएं हमें मिलेगी कहानी को मैं फिर से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कहानी फिर से जीरो से शुरू करते हैं हम जिस दौर की बातचीत कर रहे हैं अशोक का साम्राज्य कमजोर होने के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी विदेशी आक्रांता लगातार इस ओर आगे बढ़ रहे थे और वह सोच समझकर आगे नहीं बढ़ रहे थे मजबूरी में आगे बढ़ रहे थे किसी को उनके षड्यंत्र के कारण अपनी जगह छोड़नी पड़ी तो किसी पर किसी जाति ने हमला कर दिया इंडो ग्रीक वाले जो लोग थे इनकी दो शाखाओं ने शासन किया भारत के उत्तरी भाग में और उस समय के पाकिस्तान अफग़ानिस्तान वाले क्षेत्र में बैक्टीरियाई क्षेत्र में तक्षशिला को जीतने के बाद उन्होंने वहां पर अपना शासन जमाया शकों ने उन्हें हराया और वहां पर शकों का कब्जा हुआ और ये जो दूसरी शाखा थी इंडो यमन वालों की उनमें बेहतर उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका पतन हुआ शक कहां से आते हैं तो शक आते हैं कैस्पियन सागर के पड़ोस में सिर दरिया है अरल सागर के अरल सागर में मिलने वाली नदी है कजाकिस्तान का ये भाग है यहां की स्की जनजाति की एक समूह एक जाति मानी जाती है शक शकों पर हमला किया जाता है और इस हमले में वह अपने मूल निवास को छोड़कर भागते हैं बैक्टीरियाई क्षेत्र पर आते हैं अपनी वीरता से वहां कब्जा कर लेते हैं लेकिन वहां पर भी वही जनजाति उन पर पुनः हमला करती है और अब ये दो शाखाओं में बट जाते हैं एक शाखा अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में प्रवेश करती है दूसरी शाखा ईरान होते हुए ईरान के पार्थियन राजाओं को हराती है लेकिन ईरान का एक पार्थियन राजा इन्हें हरा देता है और यह अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में पहुंचती है फिर यह वहाँ से भारत में दो मार्गों से प्रवेश करती है और चार शाखाओं में बट जाती हैं इनकी एक शाखा माना जाता है कि अफगानिस्तान में ही निवास करने लग जाती हैं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि एक शाखा चीन में प्रवेश करती है और इसी कारण से चीनी ग्रंथों में इनका वर्णन भी किया जाता है तो अब जरा चीजों को समझते चलिएगा शकों के संदर्भ में भारतीय ग्रंथ कहां क्या बताते हैं शकों के बारे में चीनी ग्रंथों के अलावा कई भारतीय ग्रंथों से भी जानकारी प्राप्त होती है हालांकि चीनी ग्रंथों में लिखित जानकारी को अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय नहीं माना जाता संभवतः दोनों चीनी ग्रंथों में उल्लेखित जानकारी में समानता इसी कारण से क्योंकि दोनों ग्रंथों में जानकारी बहुत सटीक है इसलिए प्रमाणिक मानी जाती है लेकिन भारतीय ग्रंथों में जानकारियों में बहुत भिन्नता है इसलिए क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सही और कौन गलत है भारतीय ग्रंथों में व्यापक भिन्नता के कारण इस पर भरोसा थोड़ा कम किया जाता है भारतीय ग्रंथ में सबसे पहले रामायण फिर महाभारत में शकों का उल्लेख मिलता है कात्यायन के ग्रंथ अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान एवं पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है यह भारतीय ग्रंथ है पुरानों गार्गी सहिता विशाख दत्त की रचना देवी चंद्र गुप्तम बान की रचना हर्ष चरित की रचना काव्य मीमांसा में भी शको का वर्णन है लेकिन इन सभी ग्रंथों में बहुत अलग अलग जानकारी है इन सभी ग्रंथों में जो जानकारी दी गई है ना उसमें बहुत ही भिन्नता है इसलिए इस तरीके के जगह पर हम उन ग्रंथों को ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं जहां एक जैसी जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है जिसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिक विश्वसनीय माना जाता है जैन साहित्य के अनुसार भारत में शकों के आगमन का कारण जैन आचार्य कालक का आमंत्रण था अब एक नई कहानी इतिहास में यहां एक नई कहानी आ रही है अब एक ये तो हमने जो चीनी ग्रंथ है ना जो दो चीनी ग्रंथ बताए उसके अनुसार मैंने कहानी बताई कि वहां हुआ क्या था अब ये जो जैन ग्रंथ है ये क्या कहते हैं जैन ग्रंथों में जो जैन साहित्य है वो कहते हैं कि ये शक पहले से ही काफी संपन्न और अच्छे शासकों का समूह थे और इन्हें जैन आचार्य ने आमंत्रित किया था अपने अपमान का बदला निकालने के लिए तो जरा कहानी क्या कहते हैं जैन आचार्य कालक का आमंत्रण था भाई कालक जी ने आमंत्रण क्यों दिया महोदय ने कालक ने उज्जैनी के शासक गर्दभिल्ल से रुष्ट हो जाने के कारण नाराज हो जाने के कारण प्रतिशोध के लिए शकों को भारत आमंत्रित किया था और उज्जैनी का शासक गर्द शेव संप्रदाय का समर्थक था तो ये जो जैन ग्रंथ है जैन ग्रंथ के अनुसार जैन आचार्य हैं कालक अब ये कहानी फिर एक नई कहानी जन्म ले रही है जैन साहित्य कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जैन आचार्य कालक हैं वे उज्जैनी के राजा जो थे उनसे नाराज हो गए थे और उनसे नाराज होने के लिए उनसे प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने शकों को आमंत्रित किया कौन थे उज्जैनी के शासक गर्द भिल्ल थे और गर्द भिल्ल कौन थे तो गर्द भिल्ल एक शिव संप्रदाय का समर्थन करने वाले उज्जैनी के राजा थे जैन संप्रदाय से मतभेद हो जाने के कारण कालक ने लगभग अठहत्तर ईसा पूर्व शकों को जैनी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कालक चार आचार्य के कथानक के अनुसार उनके अनुसार शकों ने गर्द भिल्ल को पराजित कर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया तो एक नई कहानी क्या कहते हो बात पुरानी हम नहीं जानी तुम नहीं जानी तो इतिहासकार भी कंफ्यूज्ड है चीनी ग्रंथों ने कहा कि ऐसा हुआ पर जैन साहित्य कहते कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे आचार्य थे कालक वो उज्जैनी के शासक से नाराज हो गए थे और उज्जैनी के शासक कौन थे तो उज्जैनी के शासक थे गर्द वो शैव संप्रदाय के थे और जैन संप्रदाय से उनका मतभेद हो गया था तो शैव संप्रदाय के होने के कारण जैन संप्रदाय से मतभेद हुआ तो उन्होंने शकों को आमंत्रित किया और ये शक ने जो गर्द भिल्ल है उसे हराकर उज्जैनी पर कब्जा किया किंतु शीघ्र ही सत्तावन ईसा पूर्व में गर्द भिल्ल के पुत्र गर्द भिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शको को पराजित कर शको को विस्थापित कर दिया शकों पर विजय प्राप्त करने के क्रम में विक्रमादित्य ने सत्तावन ईसा पूर्व में विक्रमी संवंत की शुरुआत की तो कालक जो आचार्य थे जैन साहित्य क्या कहता है जैन साहित्य की कहानी मतलब इसको कहानी के रूप में ऐसा याद रखेंगे कि एक आचार्य जैन आचार्य थे कालक उज्जैनी के राजा गर्द भिल्ल से नाराज होते हैं शकों को आमंत्रित करते हैं शक इनका इन पर हमला करते हैं हारते हैं गर्द भिल्ल के पुत्र हैं विक्रमादित्य ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके बारे में विक्रम बेताल की कहानियां सुनी होगी ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके बारे में कई प्रकार की किवनदंतियाँ हैं ये वही विक्रमादित्य है जिनका वेद और पुराणों में कई जगत जिक्र किया गया है तो वे शकों को हराते हैं क्योंकि ये घटना अठहत्तर ईसा पूर्व की थी और ये सत्तावन ईसा पूर्व मतलब अगर मैं बातचीत करूं तो लगभग 21 साल के बाद विक्रमादित्य उन शकों को वहां से हटाते हैं समाप्त करते और उज्जैनी पर फिर से कब्जा करते हैं विक्रम संवंत के बारे में अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों की उपलब्धता होने के कारण कालकाचार्य कथानक में शकों के बारे में उल्लेख को अधिक प्रमाणिक माना जाता है तो चीनी प्रमाण आपने देखे कि चीनी लोग क्या कहानी बता रहे हैं और भारत में जैन साहित्य क्या कहानी बता रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही चीजों में केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर बताया गया है प्रमाण और साक्ष्यों की थोड़ी कमी है पहले तो मुझे आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि कहानी यहां तक समझ में आ रही है सभी को थोड़ा सा इधर उधर के कमेंट्स न करते हुए पढ़ने पर ध्यान दीजिए ना कई गंदे स लोग कई गंदे लाल लाली हैं जैसे एक लाल है जो कमेंट्स कर रहा है लगातार दूसरा लाल दूसरे को कमेंट्स कर रहा है महत्वपूर्ण कंसेप्ट है फिर उसके बाद तो मुझे पता है ना कि असफल होने के बाद आपके पास एक बढ़िया कहा बहाना रहेगा कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट कहां आता है क्योंकि हिंदी माध्यम का जो लाल है जो बेचारे शांतिपूर्वक सुन रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं वे बिल्कुल पढ़ते रहे पर मैं उन गधों को सूचित करना चाह रहा हूं कि रियलिटी में जिंदगी का लक्ष्य तय करिए मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़िए कोई जरूरत नहीं जिंदगी में पढ़ने की क्योंकि जीवन में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट अनफड़ लोगों ने भी प्राप्त किए पर एक डेडिकेशन की जरूरत है जिंदगी में जिनकी उम्र कम है और जो कुछ इस तरीके के कमेंट्स करते चलते हैं कोई एक को कमेंट्स कर रहा है कोई दूसरा कमेंट्स कर रहा है इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है ना तो ऊपर वाला भी शर्मिंदगी महसूस करेगा कि मनुष्य अवतार के रूप में भेजा था इसे पर यह मनुष्य अवतार का सम्मान नहीं रख सका पृथ्वी का सबसे अद्भुत जीव बनाया तुम्हें जिसके पास जबान दे दी जिसके बाद सौ बिलियन सौ अरब न्यूरॉन दे दिए और वो सौ अरब न्यूरॉन क्या कर रहे हैं YouTube पर आकर कमेंट्स कर रहे हैं YouTube पर आकर इधर उधर की बात कर रहे हैं अरे वो निर्माण करता भी सोचता होगा क्या सच में मशीन में दोष है कि मनुष्य में ही दोष है थोड़ा सा तो शर्म करिए मुफ्त में चीजें मिलती है तो थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लिया करिए बाद में असफलताओं के लिए तो कह देना ना जैसे जब भी असफल होंगे तो दो रीजन अच्छे हैं एक हिंदी माध्यम है अपना तो हिंदी माध्यम में हम कह देंगे सर हिंदी माध्यम में रिजल्ट का आता है और दूसरा जब हिंदी माध्यम का शब्द ना मिले सर मुझे गाइडेंस नहीं मिला मैं बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे माता पिताओं ने भी साथ नहीं दिया गुरु तो बहुत खराब मिले थे यूट्यूब से ही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कभी कमेंट्स भी करता रहा उससे अच्छा है बेटा घर पर आराम करो टॉम एंड जेरी देख लो वो जो टॉम एंड जेरी तो ही ठीक से अपने कर्तव्य का निर्वहन करके समाप्त हो गए भले ही कार्टून थे लेकिन दुनिया को हंसा कर गए अरे तुम तो कार्टून से भी निम्न स्तर में बन जा रहे हो अपने शरीर अपने मानवीय जीवन का सम्मान तो कर लो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ लिख लो कुछ नहीं है पढ़ लिख लेने में पर एक तय तो करो करना क्या है क्या है प्लानिंग देश की जिंदगी की अपनी बस आए हैं यूट्यूब पर आ गए दो चार कमेंट्स कर दिए कभी लाल को कभी लाली को और इसी कारण से YouTube पर ना बहुत बहुत भीड़ बढ़ गई है ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ गई है जो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें तुम्हें शेयर कर रहे हैं और लगातार वह व्यक्ति कई प्रकार के क्योंकि ऐसा कई बार मुझे लगता है कि YouTube वास्तविक रूप में न केवल भारतीय लोग बल्कि विश्व के लोगों का समय बर्बाद कर रहा है बल्कि उन्हें वह गलत तरीके के मानसिक बीमारी की ओर ले जा रहा है ना क्रिएटिविटी है ना कोई लक्ष्य है जब समय मिलता है तो यूट्यूब पर लग जाते हैं जब पढ़ने का मन होता है तो अब यूट्यूब पर चिपक जाते हैं लगातार लोग भटक रहे हैं तो पढ़िए प्लीज ना पढ़ना हो तो लक्ष्य तय करिए पर ऐसे ऐसे गधों जैसे मूर्खों जैसे विचलित होकर भटकी है नहीं मेरे शब्द बुरे लगेंगे लेकिन इन शब्दों पर सोचना जरूर केवल इतना जरूर सोचना कि तुम मनुष्य हो इस पृथ्वी के सबसे अद्भुत जीव हो सबसे अद्भुत के साथ साथ मैं कहूंगा सबसे विकसित हो सबसे विकसित जिस प्रकृति ने जिस महाशक्ति ने हमारा निर्माण किया होगा उसके विषय में भी एक बार सोचना कि कहीं हमारा निर्माण करके वह पछता तो नहीं रहा होगा कुछ तय करिए अपनी जिंदगी का भटकाव मत रखिए कुछ नहीं रखा है नहीं तो YouTube में पूरी बकवास भरी पड़ी है, पूरी बकवास आइए जरा आगे बढ़ते हैं अब शकों के संदर्भ में कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं ये साक्ष्य है। साक्ष केवल आपको मैं दिखा रहा हूं ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है जनरली सब्जेक्टिव सवालों की संभावना कम रहेगी तो एक साक्ष्य जो मिलता है अभिलेख जो भी हमारे पास एविडेंस है शकों के बारे में उसमें है मथुरा में मिलने वाला राजुल का सिंह शीर्ष स्तंभ लेख इसमें भी ले शको के बारे में जानकारी मिलती है यह ऑब्जेक्टिव सवाल में प्रश्न बनेगा शोडास का दान पत्र लेख नहपान का गुहा लेख नासिक का है ये उषावदान ऋषभ दत्त का गुहा लेख नासिक में मिलता है ये भी रुद्र दामन का अंधोकच्छ की खाड़ी गुजरात में मिलता है रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख जूनागढ़ में मिलता है तो ये वो लेख हैं जिनसे भी हमें शकों के बारे में जानकारी मिलती है क्लियरिटी किसी के पास नहीं है बस कहानियां हैं चीनी ग्रंथों की अपनी कहानी है जैन साहित्य की अपनी कहानी है और अलग अलग शिला लेखों से हमें कुछ जानकारी मिलती है अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि भारत में ये चार शाखाओं में आए तो ये चार शाखा कहां कहां शासन करने गई और उन्होंने कौन कौन सी जगह को अपने कब्जे में किया यह भी मान के चलिएगा कि यह भी बातें केवल उन्हीं कहानियों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जो अलग अलग ऐतिहासिक प्रमाणों से प्राप्त होती हैं। भारत और अफगानिस्तान में शक शासकों की पांच शाखाएं थी तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राज्य वर्तमान के शकिस्तान और सिस्थान के नाम से जाना जाता है तो एक शाखा तो अफगानिस्तान में है भारत में शकों की कुल चार क्षेत्रीय शाखाएं थी किंतु अध्ययन की दृष्टि से उन्हें दो भागों में हम संगठित करेंगे चारों शाखाओं ने भारत के तक्षशिला क्योंकि उस जमाने में वो भी भारत का हिस्सा था पाकिस्तान तो उन्नीस में बना मथुरा नासिक और उज्जैनी मतलब चार शाखाओं ने चार जगह पर शासन किया वो चार जगह कौन सी है तक्षशिला मथुरा उज्जैनी और नासिक अपना शासन स्थापित किया उज्जैनी मतलब वही उज्जैन वाला क्षेत्र तो ये दो शाखाएं मथुरा वाली और तक्षशिला वाली बाकी पहले से ही एक शाखा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में रही इन चार शाखाओं को उत्तरी छत्रप पश्चिमी छत्रप की दो मूल शाखाओं के रूप में बांटा जाता है मतलब दो उत्तरी छत्रप हैं, उत्तरी शाखा है जिसमें तक्षशिला और मथुरा आ जाएगा और दो पश्चिम में मिलने वाली हैं, जिसमें नासिक और उज्जैनी आ जाएगा उत्तरी शत्रप के तहत तक्षशिला और मथुरा जबकि पश्चिमी शत्रप के अंतर्गत नासिक और उज्जैनी शत्रप का मतलब समझ जाइएगा कि प्रांत की बात कर रहे हैं हम एक तरीके से केंद्र की बात कर रहे हैं भारत में शक शासक स्वयं को शत्रप के नाम से संबोधित करते थे तो शकों ने अपने आप को शत्रप कहा था भारत में इसलिए हम उनको शत्रप कह रहे हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है राजा संभवतः शब्द उनकी मूल जनजाति भाषा से जुड़ा होगा मतलब उनकी जो मूल भाषा होगी उसमें शत्रप कहते होंगे राजा को तो यहाँ के जितने भी शक थे वे सभी शासक अपने आप को शत्रप कहते थे ऐतिहासिक लेखन में भी शक शासकों अथवा साम्राज्य के प्रसंग में इसी शब्द का उल्लेख मिलता है तो पहले समझने की कोशिश करते हैं तक्षशिला को सबसे पहले बातचीत करते हैं तक्षशिला की उत्तरी शत्रप का प्रथम केंद्र पंजाब था तक्षशिला उसकी राजधानी थी और इस केंद्र का प्रथम शासक लियाक कुशलुक या इसे कुछ जगह लियाक कुशलुक भी लिखा गया है अब एक एक को समझ रहे हम लोग शत्रप मतलब राजा अब हम एक एक को समझ रहे हैं सबसे पहले उत्तर में तक्षशिला जो पंजाब वाला क्षेत्र था वहां पर यहाँ शको का पहला राजा हुआ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी पहले राजा का नाम लिया कुसलुक या कुछ जगह पर लिया कशलुक नाम भी दिया गया है माना जाता है कि लिया कुसलुक ने स्वयं के नाम से यूनानी कला की छाप वाले सिक्के चलवाए थे स्वयं के नाम से अपने सिक्के चलवाए किंतु इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है लिया कुसलुक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पाटिक था तो लिया कुसलुक के बाद उसका जो बेटा है पाटिक वो यहाँ का राजा बनता है मथुरा के ध्वज अभिलेख से ज्ञात होता है कि पाटिक ने स्वयं को पहले शत्रप और बाद में महाशत्रप की उपमा से संबोधित किया मतलब पाटिक ने सभी शत्रपो का शत्रप डिक्लेयर कर दिया तो तक्षशिला के राजा उसके बेटे पाटिक के द्वारा तक्षशिला का राजभार संभाला गया ऐतिहासिक अभिलेखों और लिखित प्रमाणों के अभाव के कारण शकों के केंद्र के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती तो तक्षशिला के बारे में जानकारी समझ में आ गई ये उस जमाने की हम बात करें जब शकों ने फिर भारत पर कब्जा किया तो इसमें तक्षशिला वाला जो क्षेत्र था भारत मतलब उत्तरी भाग में तक्षशिला वाला जो क्षेत्र था वहां का जो राजा था और उसका बेटा पाटिक बस इतनी ही जानकारी मिलती है इतिहास में इसके बाद इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है फिर आते हैं मथुरा पर उत्तरी शत्रप की दूसरा प्रमुख केंद्र आधुनिक मथुरा था मथुरा के संदर्भ में दो प्रमुख शक शासक हगामश तथा हगान का उल्लेख प्राप्त होता है नाम थोड़े ऐसे हैं मेरे हंसी से मतलब ध्यान दीजिएगा इधर हगामश और हगान का उल्लेख प्राप्त होता है इन शासकों के बारे में जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है तो मथुरा के दो राजा दो शत्र हगामश और हगान हालांकि इतिहासकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि दोनों शासक एक साथ मथुरा के अलग अलग भागों में शासन कर रहे थे कि एक दूसरे के उत्तराधिकारी थे मतलब मथुरा के राजाओं के बारे में भी कोई क्लियर जानकारी हमारे पास नहीं है मथुरा से प्राप्त राजवुल और शोडास के दान पत्र अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के दो अन्य शासक राजलू अथवा राजवुल मतलब राजलू या राजुल एक ही राजा हैं तथा शोडास भी थे शोडास, जो संभवतः हगामश और हगान के उत्तराधिकारी रहे होंगे मतलब मथुरा में जैसे हमें पता चला तक्षशिला में पाटिक थे उसके बाद कोई जानकारी नहीं उन्होंने अपने आप को महाशत्र कहा था और जो मथुरा में दो राजा थे हगामश और हगान उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम राजलू अथवा राजुल और शोडास थे लेकिन यहां किसी भी किसी भी इतिहासकार ने क्लियरली नहीं कहा कि कौन किसका उत्तराधिकारी था क्लियरिटी नहीं है राजलू ने तथा महाशत्रप की उपाधि धारण की इतिहासकारों ने शोडास को राजलू का पुत्र माना है और उसने भी दोनों उपाधियां धारण की है मतलब शोडास को राजलू मतलब तीसरी पीढ़ी पर आ गए तीसरी पीढ़ी पर आ गए तो हगाम शगान के बाद शोडास और शोडास का जो अगला बेटा है राजलू ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है तो पहली शाखा तक्षशिला देख ली दूसरी शाखा मथुरा देख ली आते जरा नासिक की तरफ नासिक की बात करते हैं यह क्षेत्र यह शको की पश्चिमी शत्रक की शाखा थी इस क्षेत्र के दो प्रमुख शासक के बारे में जानकारी है कुछ जगह पर मुमक को भूमक भी लिखा गया है तो मुमक भूमक नहपान थे जिनके बारे में नहपान के गुला लेख ऊषावदान या ऋषभ दत्त के गुहा लेख से जानकारी मिलती है तो नासिक के दो शासकों के बारे में जानकारी मिलती है मुमक या भूमक और दूसरे नहपान दूसरे नहपान दूसरे मुमक ने अपने शासन काल के दौरान तांबे के सिक्के चलवाए थे जिन पर शत्रप अंकित था यह सिक्के नासिक और काठियावाड़ के क्षेत्र से प्राप्त हुए इतिहासकारों का मत है कि काठियावाड़ भी तत्कालीन नासिक शत्र के अंतर्गत आता होगा काठियावाड़ में दिखा देता हूं ये वाला जो क्षेत्र है ये काठियावाड़ कहलाता है तो हो सकता है कि ये इतना भूभाग इनके कंट्रोल में रहता होगा नाक का उत्तराधिकारी था जिसके काल के सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए और इसी कारण शक शासकों में सबसे अधिक प्रमाणिक जानकारी नहपाक के बारे में मिलती है नहपाक का शासन इतिहासकारों ने लगभग 119 सौ ईस्वी से एक सौ ईस्वी तक निर्धारित किया कुछ सिक्कों में नहपाक ने स्वयं को छत्रप जबकि अधिकांश में स्वयं के लिए महाछत्रप उत्कीर्णित करवाया है तो नासिक के भी दो राजा हैं और दो राजाओं में सबसे अंतिम जो नहपान है उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है प्रामाणिक जानकारी फिर से वापिस आते हैं नासिक ये पश्चिमी शाखाएं यहाँ के दो शासक मुमक या भूमक पहला नाम दूसरा नहपान जो नहपान हैं वहाँ के गुहा लेख हैं उषावदान ऋषभ दत्त के गुहा लेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है मुमक ने अपने शासन काल के दौरान तांबे के सिक्के चलवाए थे जिन पर क्षत्रप अंकित था ये नासिक और काठियावाड़ में मिले और इतिहासकारों का मत है कि काठियावाड़ भी तत्कालीन नासिक क्षत्र के अंतर्गत था नहपाक मोमक का उत्तराधिकारी माना जाता है कि भाई जो नहपाक है वो मोमक का बेटा होगा और सबसे अधिक सिक्के इनके बारे में मिलते हैं तो थोड़ी प्रमाणिक जानकारी मिलती है इनके शासनकाल का समय एक से एक है ईसवी है और इन्होंने अपने आप को महाशत्रप अधिकतर बेटा बेटों ने अपने आप को महाशत्रप कह दिया है नासिक से प्राप्त नहपान के लेख के अनुसार नहपान की सीमाएं काठियावाड़ महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र अजमेर और पुष्कर तक मिलती है मतलब राजस्थान तक चले जाते हैं नहपान से महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से युद्ध के माध्यम से जीता था नहपान ने यह जो क्षेत्र हासिल किया था माना जाता है कि सातवहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवहन शासक के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी से युद्ध के माध्यम से नहपान ने महाराष्ट्र का ये क्षेत्र हथियाया था सातवहन वंश के बारे में हम अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे गुहा लेखीय जानकारी के अनुसार नहपान के शासन काल में भड़ोच एक प्रसिद्ध बंदरगाह था उज्जैनी क्षेत्र से वस्तुओं को लाकर इस बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था मतलब नहपान के समय में नहपान के समय में हमें विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिलते हैं नहपान के शासनकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण मिलते हैं पूछा जा सकता है नहपान एकमात्र शक शासक था जिसके शासनकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण मिले हैं अब अंतिम है उज्जैनी और उज्जैनी की शाखा को समझते हैं उज्जैनी मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है उज्जैन आज जो मिलता है उज्जैनी शकों की पश्चिमी शत्रप की शाखा थी ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उज्जैनी का एक स्वतंत्र शासक चष्टन था चष्टन जिसे अठहत्तर ईस्वी में उज्जैन अथवा उज्जैनी नामक वंश की स्थापना की थी कुछ इतिहासकार इसका श्रेय चष्टन के पिता चस्मत् को देते हैं चश्मत्तिक मतलब चष्टन के पिता ने बसाई उत्तराधिकारी बना चस्टन, किंतु चस्टन को ज्यादा प्रमाणिक माना गया चस्टन के चतरप में मालवा आता था गुजरात कच्छ का एक विशाल भूभाग आता था चष्टन के बाद उसका पुत्र जय दमन अथवा जय दामन उत्तराधिकारी बनता है किंतु इसके बारे में कोई ठोस साक्ष्य नहीं होते जय दामन के बाद 130 सौ ईस्वी में रुद्र दामन उज्जैनी का शत्र बनता है रुद्र दामन के बारे में जूनागढ़ से प्राप्त गिरनार के शिलालेख से व्यापक जानकारी मिलती है इस शिलालेख के अनुसार रुद्र दामन ने मालवा विंद घाटी काठियावाड़ सौराष्ट्र मारवाड़ कच्छ सिंधु कोंकण यहाँ तक कब्जा कर लिया था इसी शिलालेख से ज्ञात होता है कि रुद्र दामन ने चंद्रगुप्त द्वारा प्रारंभ और अशोक द्वारा पूरी कराई गई सुदर्शन झील का निजी आय से पुनर्निर्माण किया था तो प्रश्न बन सकता है कि अशोक के द्वारा पूरी करवाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शक शासक ने किया था तो रुद्र दामन ने रुद्रदामन एक लोक कल्याणकारी और लोकप्रिय शक शासक था उसे राजनीति संगीत तर्क शास्त्र व्याकरण और वित्त संबंधी मामलों में जानकारी थी अभिलेखीय प्रमाणों से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से किसी की हत्या नहीं करेगा ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार चौथी सदी के अंतिम दशकों में रुद्रदेव तृतीय इस शत्र का अंतिम शासक हुआ जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करते हुए शक वंश को समाप्त कर दिया तो उज्जैनी की शाखा का थोड़ा लंबा वर्णन है उज्जैनी की शाखा में काफी ज्यादा शासक है एक नजर जरा फिर से डालते हैं भाई उज्जैनी शकों की पश्चिम शत्रक की शाखा है प्रमाणों के आधार पर उज्जैनी एक शहर बसाया था अठहत्तर ईस्वी में चष्टन ने कुछ लोग कहते उसके पिता थे चशमत्तिक उसने बसाए थे फिर चष्टन को ज्यादा माना जाता है बहुत बड़ा भूभाग तो उस समय नहीं था पर चष्टन का जो बेटा था जय दमन और जय दमन या जय दामन का उत्तराधिकारी बनता है इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं लेकिन जय दामन के बाद बनता है रुद्र दामन उसके बारे में बहुत जानकारियां मिलती है और बहुत बड़ा क्षेत्र ये अपने कब्जे में करता है गिरनार के शिलालेख से व्यापक जानकारी मिलती है और कहा जाता है कि शिलालेख से ज्ञात होता है कि रुद्र दामन ने चंद्रगुप्त द्वारा प्रारंभ और अशोक द्वारा पूरी करवाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था रुद्र दामन एक लोक कल्याणकारी और लोकप्रिय शक शासक था कई विषयों का ज्ञान था प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के अलावा किसी की हत्या नहीं करेगा और चौथी सदी में यहां का अंतिम शासक बनता है रुद्रदेव तृतीय जो कि अंतिम शत्र था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर उज्जैनी में शक वंश की समाप्ति कर ली तो चार जगह थी एक तक्षशिला थी दूसरी मथुरा थी तीसरी उज्जैनी चौथा नासिक इन चार जगह पर शकों शको का शासन था और इन शकों की चार शाखाओं के अलग अलग राजाओं ने इस शासन को प्राप्त किया था इस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चाएं की हैं। अब बातचीत करते हैं उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी शक शासन प्रणाली में सबसे बड़ा स्थान राजा का था जिसे शत्रभ कहते थे कभी कभी भी कहते थे राजा को देवतुल्य माना जाता था और राजा के पास वाले प्रशासनिक अधिकारी राजा के पास वाले प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित थे राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन अमात्य मंडल की नियुक्ति होती थी मतलब जैसे मंत्री परिषद होता है वैसे एक अमात्य मंडल होता था अमात्य मंडल अमात्य मंडल के अंतर्गत कई डिपार्टमेंट होते थे प्रत्येक विभाग की कार्य प्रणाली और दायित्वों के लिए अमात्य मंडल सीधे उत्तरदायी होते थे मतलब मंत्री थे ये फिर साम्राज्य को छोटे छोटे छत्रपों में भी बांटा गया था और इन प्रांतों का संचालन महाशत्रप कहलाते थे कई बार प्रांतों को अधिष्ठान आहार जनपद विषय में विभाजित किया गया था तो राजा राजा के कई क्षेत्र को बांटा गया प्रांत में प्रांत को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा गया इन सभी प्रशासकों का दायित्व लोगों के साथ उदारतापूर्ण और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना था शक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम प्रधान को उत्तरी भारत में ग्रामीण तथा तो दक्षिणी भारत में मुलुक कहा जाता था नगर निकायों को निगम कहा जाता था सोचो उस जमाने में निगम ऐसे नगर या निगम जिनमें प्रशासन क्षत्रप आदि निवास करते थे उन्हें अधिष्ठान मतलब जिन क्षेत्रों में ये बड़े बड़े लोग निवास करते थे उन्हें अधिष्ठान कहा जाता था अधिष्ठान शक शासक व्यवस्था में राज्य कोष में आवश्यक के लिए राजस्व कर की व्यवस्था थी राजा द्वारा जनता पर विभिन्न कर लगाए गए थे किंतु करों की दरों को सुविधानुसार और आसान रखा गया था इतिहासकारों के अनुसार शकों का शासन एक स्वस्थ शासन था उनकी नीतियां उदार थी कर प्रणाली आसान थी शक स्वेच्छाचारी ना होकर उदार और सहिष्णु थे शको का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है शक मूल रूप से जनजाति खाना बदोश और बर्बर थे किंतु भारत में आने के बाद वो यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए इतिहासकारों के अनुसार शकों ने भारत में आकर शेव वैदिक बौद्ध आदि मत स्वीकार कर लिए शको ने भारत की संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार की भाषा बनाई रुद्र दामन का गिरनार लेख संस्कृत में लिखा गया शको ने भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत के विकास में योगदान दिया रुद्र दमन वैदिक धर्म का अनुयायी था उसने संस्कृत साहित्य और भाषा से अत्याधिक प्रेम था संस्कृत भाषा के प्रथम नाटक की रचना रुद्र दमन के शासन काल में हुई थी पॉइंट टू बी नोटेड मीलॉर्ड हालांकि संस्कृत का प्रथम नाटक कौन सा था इस पर अभी भी एक मत नहीं है शको ने अपने कार्य को मौर्य शिलालेखों के भांति गुह लेखो शिलालेखो आदि के द्वारा सुरक्षित किया था इसके साथ ही शको ने कभी भी किसी ऐतिहासिक शिलालेख या तथ्यों को नष्ट नहीं किया ये बहुत बड़ी बात है शक रुद्रदमन के मौर्यकालीन सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया इससे इस बात की पुष्टि होती है कि शक शासक जनता और अपने पूर्ववर्ती शासक के कार्यों के प्रति उदार रहे ऐसा माना जाता है कि मध्य भारत में छठ पूजा को प्रारंभ करने वाले शक ही थे माना जाता है कि भारत में सूर्य पूजा शक द्वीप ईरान बलूचिस्तान सिस्तान के क्षेत्र के मागी पुरोहितों के द्वारा प्रारंभ की गई तो सूर्य की जो पूजा होती है वो इनके द्वारा ही शुरू हुई शकों के संदर्भ में भारत का राष्ट्रीय सवंत शक सवंत है जो ग्रेगेरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है मतलब आज ग्रेगेरियन कैलेंडर में 2022 चल रहा है तो शक सवंत में 1944 चल रहा है शक संवंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रिगेरियन कैलेंडर पर आधारित तीन के दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में किस एक के अनुरूप है तो ऑब्वियसली 21 मार्च या 22 मार्च के अनुरूप तो मुझे आज की क्लास के बारे में कमेंट जरूर करिएगा कितने लोगों ने आज पहली बार शकों के बारे में जानकारी प्राप्त की कितने लोगों को पता चला कि शक कहाँ से आए चीनी ग्रंथों के अनुसार क्या है जैन साहित्य क्या कहता है चारों केंद्र के राजा कौन कौन थे उन राजाओं के क्या क्या काम थे या उन राजाओं ने कुछ विशिष्ट काम क्या किया उसके बारे में भी आप लोग हमें जरूर कमेंट्स करिएगा साथ ही साथ कल 13 जून से हमारा नया बैच आ रहा है फाउंडेशन बैच है 2023-24 के लिए तो आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कल के दिन सिविल सेवा परीक्षा की टारगेट रणनीति शाम पांच बजे है और इंडिया ईयरबुक हम दोपहर तीन बजे लेंगे कल शाम साढ़े सात बजे हम स्पेशल क्लास लेंगे यूट्यूब की क्लास नहीं स्पेशल क्लास और कल हम इकोनॉमिक्स के सौ प्रश्न कंप्लीट करेंगे हंड्रेड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के सौ प्रश्नों का टारगेट रहेगा तो साढ़े सात बजे स्पेशल क्लास रहेगी ये 2022 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स के रिवीजन की बातचीत है तो यहाँ पर शकों के बारे में जानकारी समाप्त होती है एम के लाइव हमारा रिफर कोड है अनएकेडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं रिवीजन करते चलिएगा पढ़ते चलिएगा